प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 10 साल के कार्यकाल की एक ही उपलब्धि पेपर लीक, फिर चाहे वो किसी परीक्षा का हो। ऐसा ही कुछ नीट 2024 की परीक्षा में भी हुआ। पेपर लीक हुआ, धांधली हुई और 24 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया। पहली बार नीट एग्जाम में 67 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आए। बीते 8 साल में महज 7 छात्रों के 100% मार्क्स आए थे और इस बार 67 छात्रों ने 100% नंबर पाए। इस धांधली पर प्रधानमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक सभी चुप हैं। वे पद पाकर मलाई खाने में लगे और उन्हें छात्रों से कोई मतलब नहीं। आइए जानते हैं नीट एग्जाम में कब क्या हुआ और कैसे धांधली की बात छुपाने की कोशिश की गई। 5 मई को एंट्रेंस एग्जाम हुआ, कुछ सेंटरों पर पेपर लीक का आरोप लगा। 8 मई को अलग अलग राज्यों से पुलिस ने नीट परीक्षा लीक मामले में कुछ आरोपियों को अरेस्ट किया। 17 मई को नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई। 4 जून को नीट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जो पहले 14 जून को आना था। 67 स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स मिले, जिनमें 6 तो एक ही परीक्षा केंद्र के थे। 9 जून को NTA की ओर से नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। 13 जून को NTA ने ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले 1563 परीक्षार्थियों को परीक्षा दोबारा कराने को कहा। मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री लगातार पेपर लीक से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इसी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने कहा कि पटना के एक हॉस्टल में उसे 4 मई को ले जाया गया, वही जवाब समेत प्रश्न पत्र दिया गया। बाद में पेपर लीक में भी वही सवाल आए। साफ है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली। मोदी ना तो रोजगार दे पा रहे हैं और ना ही कोई परीक्षा बिना धांधली के करवा पा रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि वे ग्रेस मार्क्स के साथ बनाई सत्ता से इस्तीफा दें, ताकि छात्रों का भविष्य न खराब हो, देश का भविष्य न खराब हो।